नमस्कार दोस्तों, कुमार इलेक्ट्रॉनिक में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे पास एक और ये CRTT टेलीविज़न है जो कि बुश कंपनी का है। तो दोस्तों ये फुल तरीके से डेड है, तो मैंने पहले से इसे आइडेंटिफाई कर लिया है। तो दोस्तों मैंने जब इसको चेक किया था तो इसमें जो एक डायोड लगा हुआ है जो कि जो हमारी जो बल्ब की आईसी है उसको जो हमें उस डायोड के थ्रू सेकेंडरी से जो जैसे आप देख पा रहे हो ये डायोड लगा ये शॉर्ट है। तो ये यहाँ शॉर्ट होने की वजह से ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है क्योंकि ये कोई सप्लाई को ऑपरेट नहीं होने दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दूसरा डायोड लगाया भी था लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, वो भी शॉर्ट हो गया। जो कि वो शॉर्ट वाला ये है जो मैंने ये लगा के ऊपर ही से लगा लिया था, काम नहीं किया उसने। तो ये तो सर्च कर दिया था वो साइड में। अब जैसे ये यहाँ शॉर्ट है और ये जैसे मैं आपको बता दूँ ये यहाँ से एक जम्पर लगा हुआ है, जम्पर के थ्रू ये रेजिस्टेंस आई और रेजिस्टेंस के द्वारा ये यहाँ पर एक जो डायोड लगा हुआ है और सीधा डायोड के थ्रू ये हमारा वर्टिकल आईसी को जा रहा है। तो दोस्तों जब मैंने ये इसे चेक किया था तो आईसी तो फटी हुई थी लेकिन जब मैंने इसकी तीन टर्मिनल को जब ओपन किया और टेलीविज़न ऑन किया तब जाके ये ऑन हो गया, पर वर्टिकल का फॉल्ट दिख रहा था। तो दोस्तों इसको हमें निकाल दूंगा और जैसे आप देख पा रहे हो तीनों मैंने लेग इसके निकाल रखे हैं जो कि नेगेटिव पॉजिटिव यहीं से इसे सप्लाई दी जाती है। तो ये मैंने सप्लाई से अलग उठा के वर्टिकल आईसी को अलग करके तब चलाया तो काम कर रही थी ये, बट वो वर्टिकल का ही फॉल्ट था। तो अभी मैंने आईसी दूसरी लगा ली है और ये डायोड भी लगा लिया है और जैसे कि अब ये फाइनल मैंने कर लिया। मैं चेक करूँगा इसे कि टीवी की क्या कैसी कंडीशन है, ऑपरेट हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ और देखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो टेलीविज़न हमारा ओके हो गया है। दोस्तों ज़्यादातर मैं हर एक वीडियो में यही बताता हूँ शॉर्ट होने पर क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।